शॉटगन एक स्नाइपर टॉप ऑन पुशिंग जर्नी के एपिसोड 4 में वेलकम आप सभी का। अब करंटली जहाँ पर हमारा मेन मिशन ये रहने वाला है कि BRN के सीजन 39 एंड होने से पहले किसी पर्टिकुलर वेपन में गन ग्लोरी पुश करके हम लोग इंडिया के टॉप 1 में आ पाए। वही मैंने आप लोग को पिछले एपिसोड में बताया था कि शॉर्ट रेंज में शॉटगन, लॉन्ग रेंज में स्नाइपर और पिस्टल में हम लोग M1873 में गन ग्लोरी पुश करेंगे इंडिया के लिए। अब वहीं पर एक प्रॉब्लम आती है कि स्नाइपर तो हम लोग बहुत इजिली परचेज कर लेते हैं, इन शॉटगन को ढूंढने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी 2 या 3 आर्सेनल खोलने पड़ते हैं तो कभी बॉक्सेस में हम लोग को बहुत ज्यादा टोकन वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जब एक बार हम लोग को शॉटगन स्नाइपर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है पूरे मैप में हम लोग धुआं उठा देते हैं। बहुत इजीली हम लोग को शॉटगन स्नाइपर का 100 ग्लोरी मिलता है। और जब एक बार स्नाइपर शॉटगन का कॉम्बिनेशन मिलता है तो मैप में हम लोग किस तरीके से धुआं उठाते हैं एक बार तुम लोग भी देखो। अब ये गेम में अभी तक हम लोग के सिर्फ 2 किल होते, सेफ जोन कवर कर रहा होता, एक एनिमी को उड़ाने की कोशिश करता हूं लेकिन मिस हो जाता है। एग्जिट करके उसको शॉटगन का एक शॉट कनेक्ट करता हूं, देन 2 शॉट रिकॉल होते हैं, एनिमी ड्रोन एक्टिव करता है, ड्रोन में को हिट करता है, तो मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन क्योंकि एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो उसकी वॉल को खोल के एक शॉट कनेक्ट करके उसको बहुत इजीली एलिमिनेट करता हूं, उसके लूट बॉक्स से लूट करके सेफ जोन कवर करता हूं। गेम को होल्ड कर रहा होता हूं कि भाई सामने होता है 2 एनिमीज का बहुत खतरनाक वाला फाइट, थर्ड पार्टी करके एक एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो उसको बहुत इजीली एलिमिनेट कर लेता हूं। हम लोग के 4 किल जाते और लास्ट के 4 ही एनमी अलाइव होते। अभी मैं पीछे देखता हूं तो भाई पीछे एक एनमी का मॉन्स्टर तक फूटा हुआ होता है। वो जैसे व्हीकल से एग्जिट करता है तो उसका सोनिया एक्टिव करता है स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करके। लेकिन भाई ये सोनिया डिमित्री वाले गेम खत्म ही नहीं होते क्योंकि एनमी डाउन होता है तो उसकी वॉल ब्रेक करता हूं लेकिन ब्रिज वाला एनमी मेरा किल उठाता है। देन हम लोग आ जाते हैं सीधा टॉप 3 में, लास्ट के 2 ही एनमी अलाइव होते, एक एनमी ब्रिज पे होता है और दूसरा एनमी बॉक्स के पास। एनमी को 116 का स्नाइपर से एक शॉट कनेक्ट करता हूं लेकिन एनमी भी बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है तो कवर में आके हील अप कर लेता हूँ। तभी बॉक्स वाला एनमी दूसरे ब्रिज वाले एनमी से फाइट कर रहा होता है। अब एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, शॉट मिस होता है, दूसरा शॉट भी मिस होता है लेकिन तीसरा शॉट पूरा एम बना के कनेक्ट करता हूँ। एनमी को 103 का एक शॉट कनेक्ट होता है, देन स्विच करके 155 का एक और शॉट कनेक्ट होता है। अब क्योंकि मेरा आयरस चार्ज हो जाता है तो स्नाइपर का 127 का एक शॉट और 127 का एक और शॉट कनेक्ट करता हूँ। लिटरली भाई एनमी 500 प्लस डैमेज होता है लेकिन फिर भी वो मेरा किल नहीं आता है और ये ब्रिज वाला एनमी भाई देखते ही देखते मेरे 2 किल उठा लेता है। अब लास्ट का एनमी अलाइव होता है ब्रिज वाला, तो फटाफट से मैं सीधा आ जाता हूँ ब्रिज वाले एनमी के पास और एकदम हमारा सिंपल सा प्लान रहने वाला है। जैसे एनमी को स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट होगा तो हम लोग व्हीकल लेके उसके ऊपर शॉट गन लेके रश करेंगे। तो जैसे स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट होता है तो फटाफट शॉट गन लेके एनमी के ऊपर रश करता हूँ, व्हीकल से एग्जिट करके एनमी को शॉट गन का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ। एनमी बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो अंदर रश करता हूँ लेकिन एनमी अपनी क्रोनो की शील्ड को चालू करता है तो मैं भी अपनी आयरस की एबिलिटी को एक्टिव करता हूँ और शॉट गन का बॉडी और हेड मार के भाई एनमी का सोनिया एक्टिव करता हूँ। अब ये सोनिया दिमित्री वाला होता है तो फटाफट से अपना की फिनिश करके आज का पहला गेम बोया करता हूँ। 42 का प्लस मिलता है और सरप्राइज दिस शॉट गन स्नाइपर का 100 ग्लोरी मिलता है। देन मैं आ जाता हूँ सीधा नेक्स्ट गेम में। अभी तक हम लोग को शॉर्ट गन तो मिल जाता है, स्नाइपर नहीं मिलता, तो वेंडिंग मशीन पे स्नाइपर को परचेज करने आता हूँ लेकिन एक एनमी मेरा एम ले रहा होता है। लेकिन छोड़ो यार, हम लोग फोकस करते हैं स्नाइपर परचेज करने में। स्नाइपर का एक शॉट में एनमी को कनेक्ट करता हूँ और एनमी अभी के टाइम पे बिल्कुल भी पीक नहीं दे रहा होता क्योंकि सेफ जोन के आउटसाइड होता हूं तो सेफ जोन कवर करता हूं लेकिन एनमी को चुल होती है, मेरा व्हीकल फोड़ देता है। तो फिर स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूं 159 का क्योंकि सेफ जोन श्रिंक हो रहा होता है तो एनमी वॉल लगा के हील अप करके फिर से सेफ जोन कवर करता है। देन अगेन एक शॉट कनेक्ट करता हूं और इस सिचुएशन में ना मैं बस वेट कर रहा होता हूं कि फटाफट से मेरा आयरस का एबिलिटी चार्ज हो जाए क्योंकि खुले में एकदम एनमी होता है वो एक शॉट खा के फटाफट से वॉल लगा रहा होता है। जैसे आयरस की एबिलिटी चालू होता है स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूं, एनमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो इधर रश करता है शॉटगन का बॉडी बॉडी मार के। यहां पे फाइनली मैं अपना पहला किल कर लेता हूं क्योंकि भाई सेफ जोन बहुत ज्यादा दूर निकल गया होता और मेरे पास व्हीकल भी नहीं होता तो फटाफट से पिंक वेंडिंग मशीन के पास आके मिनी लॉन्च पैड परचेज कर लेता हूं और मिनी लॉन्च पैड को यूज करके फटाफट से आधा सेफ जोन बहुत इजीली कवर कर लेता हूं। और थोड़ा सा आगे जाने पे मेरे को जिपलाइन मिलती है, जिपलाइन से मैं सीधा आ जाता हूं कोटा टोवा के एल शेप में और एल शेप से मैं सीधा आ जाता हूं पानी के पास। एक एनमी भाई गेम को होल्ड कर रहा था, स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करके हम लोग को एक और किल स्नाइपर से मिल जाता है और सामने हो रहा होता है फाइट। स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूं लेकिन एनमी वॉल लगा लेता है, आयरस की एबिलिटी को तो चालू करता हूं लेकिन सेफ जोन श्रिंक हो रहा होता है तो पहले सेफ जोन पे फोकस
करता हूँ। टिप जोन कवर करते ही भाई मॉन्स्टर ट्रक वाला एनमी भी उस एनमी से फाइट करने आ जाता है, और वो एनमी जैसे ही वॉल लगाता है तो आयरस की एबिलिटी चालू होती है। एक शॉट कनेक्ट करके उसको एलिमिनेट करता हूँ, दूसरे एनमी को भी एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, लेकिन वो मॉन्स्टर ट्रक पे जाके बैठता है और एक शॉट में ही एलिमिनेट भी हो जाता है। अब बहुत इजीली हम लोग की स्नाइपर से 3 किल शॉटगन से 1 किल हो जाता है, लेकिन यहीं पे एक प्रॉब्लम होती है कि मॉन्स्टर ट्रक पानी में फंसा होता है और भाई सेफ जोन बना होता है। तो सामने लास्ट ऑप्शन होता है मिनी लॉन्च पैड का यूज करना, लेकिन मिनी लॉन्च पैड से भी हम लोग आधे पानी में ही गिरते हैं। और बस मैं देख रहा होता हूँ कि कोई एनमी फायर ना करे, और भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम खुश हों और कोई हमें दुखी करने ना आ जाए, तो फिर हम लोग पानी में एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन खुशी की बात होती है कि हम लोग को स्नाइपर का पूरा ग्लोरी मिलता है। देन हम लोग सीधा नेक्स्ट गेम आते हैं, स्नाइपर को परचेस करते हैं वेंडिंग मशीन से, और एनमी को ही बस ढूंढ रहे होते हैं कि एक न्यू एनमी दिखता है जिसको भाई एक शॉट में ही मैं डाउन कर लेता हूँ। लेकिन भाई ये भी सोनिया दिमित्री वाला आता है। अब क्योंकि आयरस चार्ज होता है तो उसकी ग्लोअल पे आयरस मारता हूँ, और जैसे ही उसको रिवाइव मिलता है तो लॉबी भेजने का पूरा इंतजाम मैंने इतने में कर दिया हो जाता है। देन सेफ जोन सिंक हो रहा होता है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर लगी होती है लैंड माइन, तो फटाफट से एक वॉल से पैक करके मेडकिट लगा लेता हूँ। रहा होता हूँ कि एनमी विंडो से जंप ना करे क्योंकि हेल्थ फुल होती है, तो मैं ही जंप करके MP5 का रेड व्हाइट का बहुत सारा मिक्सचर एनमी को कनेक्ट करता हूँ। लेकिन भाई ये नूबड़ा पीछे से मेरा किल चोरी कर लेता है। फिर ये जैसे ही थोड़ा सा होल्ड करता है तो भाई इसका सोनिया एक्टिव कर देता हूँ पूरे रेड नंबर से। अभी ये भी सोनिया दिमित्री वाला होता है, तो इसको भी पूरा मैं लॉबी भेजने का प्लान तैयार कर देता हूँ। और जैसे ये रिवाइव होता है स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करके इसको एलिमिनेट करता हूँ। अब भाई लास्ट के 2 सेकंड होते हैं सेफ जोन रिंग कोने में, तभी एक एनमी सोनिया दिमित्री वाले लूट बॉक्स से लूट कर रहा होता है बड़े मजे से, पूरा एम बना के उसको भी रेड नंबर से एलिमिनेट करता हूँ। तभी याद आता है कि भाई सेफ जोन कवर करना है। एक एनमी सामने गेम को होल्ड करके बैठा होता है बैल्कनी में, और दूसरा एनमी नीचे ही मेरा वेट कर रहा होता है। मेरे पास एक ग्रेनेड होता है तो सोचता हूँ ग्रेनेड से उसको थोड़ा सा डरा दूं, लेकिन तभी वो ग्लू होल से बाहर निकल जाता है क्योंकि मेरे पास एक मिनी लॉन्च पैड होता है। तो फटाफट से एक ग्लू होल लगाता हूँ मिनी लॉन्च पैड का यूज करके, सीधा आ जाता हूँ सेफ जोन में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मिनी लॉन्च पैड से मेरा क्रैश लैंडिंग हो जाता है और मैं एकदम भाई बीच में आके फंस जाता हूँ 7 एनमी के। तो फिर क्या भाई, जैसे तैसे बच बचा के मैं आ जाता हूँ वेयर हाउस में, सॉरी इसको हम लोग गैरेज बोलते हैं, यहाँ पे हमेशा व्हीकल होता है। तो यहाँ गैरेज में आ जाता हूँ और बैक साइड पे एक वॉल लगा के थोड़ा इधर उधर फाइट करने लगता हूँ। तभी सेफ जोन के आउटसाइड एक एनमी व्हीकल को ब्रेंच पे ठोकता है जिसको स्नाइपर के 2 शॉट कनेक्ट करता हूँ, लेकिन एनमी डाउन नहीं होता, मैं डाउन हो जाता हूँ। लेकिन मेरा गुड लक होता है कि सही जगह पे सही टाइम पे ग्लू लग जाती है, मेरे को होलाजाइन से रिवाइव मिल जाता है, हीलअप करके हेल्पफुल कर लेता हूँ। सेफ जोन श्रिंक हो रहा है तो विंडो से एक एनमी जंप करता है जिसको शॉट कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वो फाइट करता है तो उसकी वॉल में ब्रेक करता हूँ, और वॉल ब्रेक करने पे एक एनमी को एक शॉट कनेक्ट करके मेरे को 1 किल मिल जाता है। लास्ट के 3 ही एनमी अलाइव होते हैं और एक एनमी पेड़ के पीछे गेम को होल्ड कर रहा होता है जिसने अभी अभी फाइट की होती है। स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ लेकिन भाई उसको कुछ पता ही नहीं चलता। देन वो हीलअप कर रहा होता है, थोड़े से स्कोप को होल्ड करता हूँ, जैसे वो बाहर निकलता है एक शॉट कनेक्ट करके उसको भी एलिमिनेट कर देता हूँ क्योंकि लास्ट का 1 ही एनमी अलाइव होता है और उसकी लोकेशन मेरे को पता होती है, पोस्टर के ऊपर गेम को होल्ड करके बैठा होता है। अभी तक मेरे को पता नहीं होता है कि भाई उसने सामने टेलीपोर्ट लगाया है, पोर्टल लगाया है। अब मैं उसका वेट कर रहा होता हूँ जंप करने का कि वो एकदम से सामने दिखता है। स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, दूसरा शॉट मिस होता है, लेकिन तभी देखता हूँ भाई मेरा हेल्थ कितना ज्यादा वो कम कर देता है। तो जल्दी से नॉर्मल मेडी सुपर इनेडर लगा के उसके जंप करने का वेट करता हूँ। जैसे ही वो जंप करता है आयरस को एक्टिव करता हूँ, और भाई क्या ही तो रेड नंबर उसको कनेक्ट होता है यार, वो भी मेरा 1 टैप लेने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन मेरे आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? हाँ वो बात अलग है कि तुक्के में हेडशॉट लग जाता है, लेकिन बैक करने पे हम लोग को स्नाइपर का पूरा ग्लोरी और 47 का प्लस भी मिल जाता है। देन मैं आ जाता हूँ सीधा नेक्स्ट गेम में जहाँ पे लास्ट के 4 एनमी अलाइव होते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट वाला जोन बन गया होता है। एक एनमी को स्पॉट करता हूँ, स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ जो कि मिस होता है, दूसरा शॉट तो कनेक्ट होता है लेकिन यहाँ पर एनमी कंफ्यूज होता है, इतने में एक और शॉट कनेक्ट करके उसको एलिमिनेट करता हूँ। जस्ट लास्ट के 4 एनमी अलाइव होते हैं, एक और एनमी होता है जिसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ लेकिन वो कवर में निकल जाता है, और क्योंकि सेफ जोन नीचे बना होता है तो व्हीकल लेके वो सेफ जोन कवर कर लेता है। अब यहाँ पर भाई मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं इधर से नीचे जंप करूँ, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है भाई मैं व्हीकल को भी तो जंप करा सकता हूँ ना साइड से, तो जल्दी से मैं अपनी लैम्बो को जंप कराता हूँ। लेकिन यहाँ पर लैम्बो का आई थिंक कुछ एक्सीडेंट टाइप हो जाता है, लेकिन फिर मेरी लैम्बो एकदम से खड़ी हो जाती है क्योंकि ये मैंने अपने लिए स्पेशली मॉडिफिकेशन इसमें करवाई होती है। वो मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मुझे पता है। अब लास्ट के 2 एनमी अलाइव होते हैं, सामने एनमी नहीं होता है वो व्हीकल होता है, एनमी ऊपर होता है जिसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ,
लेकिन भाई ये क्या ही तो रेड नंबर मेरे ऊपर कनेक्ट करता है यार। सही टाइम पे वॉल लग जाती है तो हील अप कर लेता हूँ, और क्योंकि लास्ट के दो एनमी अलाइव होते हैं तो सेकंड वाला एनमी को भी स्पॉट कर लेता हूँ, जिसकी वॉल पे मैं फटाफट से अपने एक्टिव स्किल को फेंक के मारता हूँ। स्नाइपर के 3 शॉट कनेक्ट करके उसको डाउन करता हूँ, लेकिन ये भी सोनिया दिमित्री वाला होता है तो इसको रिवाइव मिला ही होता है कि शॉट कनेक्ट करके इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। तभी ये भाई धूम 3 का हीरो इधर थर्ड पार्टी करने आता है। स्नाइपर के शॉट तो कनेक्ट नहीं होते, लेकिन शॉट गन के 3 शॉट बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट होते हैं। अब मैं सोचता हूँ यार इसको स्नाइपर से एलिमिनेट करूंगा, लेकिन फिर दिमाग में आता है भाई पहले वाला गेम तो फटाफट से यूजी हाथ में ले लेता हूँ, फिर यूजी से भी कुछ नहीं होता तो शॉट गन रिलोड करके इसको शॉट गन से एलिमिनेट कर देता हूँ। और बैक करने पे हम लोग का इलीट हीरोइक हो जाता है। 5 किल के साथ हम लोग ये गेम बोया करते हैं और इलीट हीरोइक देख के ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और आजकल हम लोग बहुत स्लोली रैंक पुश कर रहे हैं, उसका भी एक रीजन है जो कि वीडियो में आगे बताऊंगा। बट बैक करने पे हम लोग को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो कि काफी ठीक ठाक से रिवॉर्ड होते हैं। और यहाँ पर ना इंटरनेट इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट से गेम स्टार्ट करके सीधा आ जाता हूँ गेम में पीक की छत में, और यहाँ पर बस वेट कर रहा होता हूँ एनमी के स्पॉट होने का। तभी एक एनमी टेलीपोर्ट यूज करके भाई सीधा पीक की छत पे आ जाता है, और वो एकदम से निकल के आता है और थोड़ा सा डैमेज कनेक्ट करता है, लेकिन शॉट गन का एक शॉट मैं भी कनेक्ट करता हूँ, वो ऑराइन बनता है। जैसे उसका ऑराइन खुलता है तो एक और शॉट कनेक्ट करता हूँ, लेकिन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, लेकिन एनमी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। तो फिर क्या, डर के मारे मैं पैक कर लेता हूँ, हील अप करके शॉट गन रिलोड करके अपनी ग्लूअल खोलता हूँ। तभी वो एनमी भाई यहाँ पे लैंडमाइन लगा के भागा होता है, लेकिन जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ और शॉट गन के 2 शॉट कनेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई ये फिर से क्या ही तो डैमेज कनेक्ट करता है यार। तो मैं फिर से पैक कर लेता हूँ, फिर से शॉट गन रिलोड करके सुपर मैड किट लगा लेता हूँ, और इस बार अपनी ग्लूअल खोल के भाई इसको शॉट गन का क्या ही तो रेड नंबर कनेक्ट करता हूँ यार। फिर फटाफट से इसको डाउन करता हूँ, क्योंकि ये ऑलजाई ले रहा होता है, तो फटाफट से किल फिनिश कर लेता हूँ। और इसके लूट बॉक्स से लूट करने के बाद हेल्थ थोड़ी सी कम होती है, तो हील अप ही कर रहा होता हूँ कि एक और एनमी भाई इसके लगाए हुए पोर्टल से मेरे ऊपर रश करता है, जो कि मुझे MP5 से बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो भाई ये SMG नहीं हो गई, SMG से मेरी दुश्मनी हो गई, पता नहीं क्या ही तो ये लोग स्पैम कनेक्ट करते हैं। देन मैं सीधा नेक्स्ट गेम में आ जाता हूँ, मेरे पास ग्रोजैक्स होती है। पहले मैंने सोचा था ग्रोजैक्स में ग्लोरी पुशिंग करूंगा, लेकिन एक दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता, लेकिन यार तुम लोग को पता है ना भाई किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, इतने में कोई बंदा उस वाले कंटेंट को भी अपने चैनल पे अपलोड कर लेता है। तो कोई बात नहीं, मैं स्नाइपर में ही पुश करता हूँ, वेंडिंग मशीन के पास आता हूँ कि एक एनमी दिखता है, 2 शॉट लेके शॉटगन के 2 शॉट कनेक्ट करता हूँ, आयरस भी चालू करता हूँ, और इसकी ग्लूअल फटाफट से तोड़ के भाई इसको ग्रोजैक्स से ही एलिमिनेट कर देता हूँ। भाई ग्रोजैक्स से ना डैमेज भी बहुत बढ़िया आता है और वॉल भी बहुत जल्दी टूटती है। तो हील अप करके और स्नाइपर को लेके मैं आ जाता हूँ सीधा सेफ जोन में, और क्योंकि एल शेप में एक एनमी बहुत देर से गेम होल्ड कर रहा होता है, तो मैं उसकी छत पे टेलीपोर्ट लगाता हूँ और टेलीपोर्ट को यूज करके सीधा आ जाता हूँ एल शेप के ऊपर, लेकिन एनिमी मेरे को दिखता ही नहीं है। तभी थोड़े से फुट आते तो नीचे जंप करता हूँ, भाई ये पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, शॉट तो कनेक्ट करता हूँ लेकिन ये क्रोनो की शील्ड चालू करता है, स्नाइपर का शॉट कनेक्ट होता है, उसके पैन में स्नाइपर का एक और शॉट कनेक्ट होता है, लेकिन भाई इसका लक बहुत बढ़िया होता है, तो ये नीचे जंप करता है, मैं भी जंप करता हूँ, शॉटगन को रिलोड करता हूँ, निकल जाता है और स्नाइपर का शॉट भी मिस हो जाता है, तो शॉट गन रिलोड करता हूँ और इधर से ही रश करके इसको बॉडी देके एलिमिनेट कर देता हूँ, और मेरे 2 किल हो जाते हैं गेम में। और इसके लूट बॉक्स से लूट करके मैं सेफ जोन कवर कर रहा होता हूँ कि भाई एक एनिमी मेरे को क्या ही तो डैमेज कनेक्ट करता है यार, मतलब ठीक ठाक सा डैमेज कनेक्ट करता है, और सीधा सीधा मेरे ऊपर रश कर देता है शॉट गन लेके ईवो नई वाली। तो फिर अभी होने वाला है पुरानी ईवो वर्सेस नई ईवो, तो पहले मैं हील अप कर लेता हूँ पैक करके, ये जैसे ही मेरी वॉल को खोलता है तो इसको 3-4 शॉट मारता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता हूँ, तो फिर से पैक करके पहले शॉट गन रिलोड करता हूँ और मैड किट लगा ही रहता हूँ कि भाई ये मॉन्स्टर ट्रक वाला अपनी एंट्री करता है, तो इससे लिफ्ट लेके हम दोनों इसके मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं। लिटरली भाई मेरा एनमी भी और मैं भी इसके मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं। अब एनमी थोड़ा पीछे उतरता है, मैं थोड़ा सा आगे उतरता हूँ, और एनमी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हम दोनों से किराया नहीं लेता है और सीधा एल शेप में जाके बैठ जाता है। तो फिर क्या, सेफ जोन से रिंक हो रहा होता है, तो मैं ट्रक को लेके आ जाता हूँ थोड़ा सा आगे, और इधर पे सेफ जोन होता है तो कंटेनर पे अपने व्हीकल को थोड़ा सा बैक करता हूँ। लेकिन ये देख रहे हो भाई, अगर व्हीकल से मारने वाला कोई गेम होता ना तो ये लोग भाई व्हीकल से ही पूरा गेम खेलते। तो फटाफट से मैं इधर पे वॉल लगा के गेम को होल्ड करता हूँ, लेकिन तभी एक एनमी बाहर होता है, तो लैम्बो वाला एनमी होता है, तो उसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, उसका व्हीकल तोड़ता हूँ। तभी ये नूबरा ट्रॉगन से क्या ही तो डैमेज कनेक्ट करता है, कंटेनर में होता तो पैक करके सुपर मैट किट लगा लेता हूँ। अब भाई यहाँ पर ना मैं अपनी वॉल को खोलता हूँ, क्योंकि सेफ जोन श्रिंक होने वाला होता है, लेकिन भाई जैसे ही वॉल को खोलता हूँ तो ये यहाँ पर लैंडमाइन लगा के भागा होता है भाई,
तो कवर में आके जैसे ही लैंडमाइन से बचता हूँ तो भाई ये स्काइलर मार देता है। मेरा गुड लक होता है कि कोई मेरे को हेल्प कर देता है, मतलब ये शायद मॉन्स्टर ट्रक वाला ही एनमी होता है। अब मॉन्स्टर ट्रक वाला ही वो एनमी क्यों होता है, क्योंकि भाई वो मॉन्स्टर ट्रक वाला ही एक एनमी मेरे को गेम में लगता है जो कि काफ़ी भला आदमी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों भाई वो वेयर हाउस के ऊपर होता है तो मैं उसको बहुत सारे लड्डू ऊपर भेजता हूँ, लेकिन भाई यार ये पता नहीं क्यों स्काइलर मारने लगता है। तो मैं अपना लड्डू देना वापस से चालू करता हूँ, सोच के कि जैसे ही वो जंप करेगा वो भी लड्डू खा लेगा और दूसरे वाला एनमी को भी लड्डू मिल जाएगा। लेकिन भाई यार पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही जल्दी मैं उनको प्रसाद भेज देता हूँ, और फिर बस थोड़ी देर वेट करता हूँ कि कब वो ऊपर से जंप करे। और भाई पता नहीं कौन से स्टाइल में वो जंप करता है, एकदम नया वाला स्टाइल था कोई, और यहाँ पर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है, तो फिर वेट ही करते हैं सिचुएशन में, तो बोया लेना भाई इन लोग से। ओके चलो ये तो ख़त्म है भाई, ये एक सेफ जोन से डैमेज होगा, वेट ओके डैमेज। चलो भाई लास्ट में डिवाइस थोड़ा सा लैग हो गया था, लेकिन फाइनली हम लोग ये गेम भी बोया कर लेते हैं। 40 का प्लस मिलता है, हाँ थोड़ा दुख होता है कि स्नाइपर का ग्लोरी नहीं मिलता, लेकिन शॉर्ट गन का 93 ग्लोरी मिल जाता है, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, आप लोग का दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप लोग को।